तो भाई कल का भी दिन आप लोगों ने देखा, जो मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दिए थे, क्या ताबड़तोड़ प्रेडिक्शन रहे। टीम डेविड ने बॉलिंग कराई और पहले ही ओवर में विकेट लिया, वो भी शॉन मार्श का, जिसका मैंने बोला था फ्लॉप होगा। सैम हेन क्या पारी खेला है, जो मेरे प्रेडिक्शन थे बहुत ही मतलब काबिल तारीफ से, थोड़ी तारीफ कर दो कमेंट बॉक्स में। एकदम अल्ट्रा क्लीन स्वीप कराया सबको, जबकि कैप्टन ने परफॉर्म नहीं किया, वाइस कैप्टन ने भी कुछ खास नहीं किया, मगर क्लीन स्वीप हुआ एकदम एक तरफा। क्यों? क्योंकि रिस्क जो मैंने रिस्क लिए वो काम आए। और भाई यही बात होती है, यही बात होती है जब आप पूरा वीडियो देखते हो। और मैं खुश भी हूँ कि कल मुझे YouTube पर वॉच टाइम बहुत अच्छा मिला, लोगों ने पूरा वीडियो देखा और लोगों ने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज भी भेजे मुझे। जीतने के बाद सब ने मोटा पैसा कमाया। अगर आप अगर रह गए कल तो कोई बात नहीं, कल गया जो बीत गया सो बीत गया। आज का देखो, आज एक नहीं बल्कि दो दो मैच अच्छे मैच हैं, और इन दोनों मैचेस में मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि दोनों मैच क्लीन स्वीप कराऊं, क्योंकि अपने प्रेडिक्शन सबसे अलग, अपने रिस्क सबसे अलग, अपनी टीम सबसे अलग और अपना रिजल्ट भी सबसे अलग। या तो एक तरफ हार या एक तरफ जीत, मगर अभी अपना टाइम अच्छा चल रहा है तो मेरे अच्छे टाइम का फ़ायदा उठाओ, तुम लोग भी चार पैसे कमा लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप लोग पूरा वीडियो देखोगे शुरू से एंड तक। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आज पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वोमेन का भी मैच है ना, तो थोड़ा प्लेयर्स के बारे में जानना, ज्ञान देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज्ञान लेना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, हर चीज़ ध्यान से सुनना, चाहे पिच की बात हो, चाहे टीम न्यूज़ की बात हो, चाहे प्लेइंग 11 की बात हो, हर चीज़ एकदम ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक एक लाइक एक एक कॉमेंट सब लोग अभी कर दो, वो बहुत ज़रूरी है। लाइक और आपके कॉमेंट जो होते हैं मेरे लिए प्यार है, मेरे लिए मोटिवेशन है, ताकत देती है ना, समझ रहे हो, ताकत। हाँ, तो कर दो लाइक और कमेंट कर दो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में पैसे कमी नहीं रहने वाली, छोकरी नौकरी कमी रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते फिर आज का वीडियो। क्या नाम है इसका, हाँ, जैसी साहब इंट्रो लगाओ, स्वागत करो हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। का बढ़िया होगा स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं, आज होने वाले हैं दो बड़े मैच। पहला मैच जो कि होगा बिग बैश लीग का, जो कि खेला जाएगा, एक रिवर्स फिक्चर है जो कि एडिलेड स्ट्राइकर और पर्थ स्कॉचर्स का मैच है वो, और दूसरा जो मैच है वो भाई इंडिया वोमेन और ऑस्ट्रेलिया वोमेन का मैच है। T20 मैच है नवी मुंबई में, बहुत ही ताबड़तोड़ सीरीज हुई थी लास्ट ईयर T20 वाली, क्या क्या हाई स्कोरिंग टारगेट चेस हुए थे, ग्रेस हैरिस की वो काबिले तारीफ बैटिंग, वाह वाह मज़ा आ गया था, ऋचा घोष की वो कैमियोज मुझे अभी भी याद है, पिछले साल तीनों के तीनों मैचेस में मैंने क्लीन स्वीप किया था, बहुत मोटा पैसा कमाया था गाड़ी में, उन्हीं उसी तीन मैचेस की कमाई से गाड़ी लेके आया था। ठीक है, तो मुझे अच्छे से याद है। तो आज भी वीडियो में उन चीज़ों में बात करेंगे, बहुत ज्ञान देंगे आपको। लेकिन हाँ, अभी आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है, सभी फैंटेसी की दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए, कि आप लोग को ये पोस्टर दिखा होगा सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो ये जो पोस्टर है ये हमारा एक इवेंट हो रहा है, आप लोग को बताया था मैंने, मैं एक मीटअप करूंगा, तो एक इवेंट हो रहा है लखनऊ में। जी हाँ, 7 जनवरी रविवार का दिन, संडे का दिन मैं, मेरा एक इवेंट है जहां पर मैं आप लोगों से मिलने जा रहा हूं, मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं। तो आप सभी लोगों को मैं इन्वाइट करता हूं, आप लोग लखनऊ आइए 7 जनवरी को, अभी अपनी टिकट कर लो, वही 12 से 2 बजे के आसपास इवेंट है, दोपहर में आप आ जाना टाइम पर। वहाँ पर आप मुझसे मिलेंगे, आप जो पूछेंगे आपको सवालों का जवाब मिलेगा, एक ऑडिटोरियम है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जुपिटर हॉल, हॉल का नाम है जुपिटर और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जो कि गोमती नगर में विभूति खंड में है, वहाँ पर ये इवेंट है। ठीक है, सभी लोग आओ यहाँ पे और हमसे मिलो आके। अब इवेंट में आने के लिए आपको ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है इवेंट का, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करना, वहाँ पर जाओगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर अपना नाम डालना होगा। मोबाइल नंबर अपना नाम जब आप डाल दोगे तो आपको वो मिल जाएगा, मोबाइल नंबर और नाम डालने के बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उस QR कोड का स्क्रीनशॉट आपको लेना है, और जब वहाँ पर आप पहुँचोगे जगह पर तो आपको QR कोड स्कैन कराना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिलेगी। तो प्लीज़ जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और टिकट करिए, ट्रेन की, गाड़ी की, जो भी जिससे भी आना है फ्लाइट की, आ जाओ लेकिन। ठीक है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलने वाले, और कोशिश करूँगा हर शहर में करूँ, मगर अभी इतना टाइम है नहीं, तो फिलहाल लखनऊ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए, और इवेंट का नाम भी क्या जोरदार है, तू कर लेगा मेरे भाई, तू कर लेगा टिकट, तू कर लेगा, पैसे हैं तेरे पास, चल टिकट कर। ठीक है, चलो बाकी, हाँ चलो अब काम करके बात करते हैं मैच की। तो
तो मैच की हाँ, तो कल आप लोगों ने देखा, कल भी हमने जो क्लीन स्वीप किया था उसकी टीम मैंने आप लोग को दे दी वीडियो में, तो ज्ञान दिया था वो सही हुआ, प्रेडिक्शन सही हुआ, मगर जो मैंने टीम आप लोग को दी थी उसने क्लीन स्वीप किया। अब जो मैंने आप लोग को टीम दी थी कहाँ पर दी थी? टेलीग्राम पर। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया भाई फिर से बोल रहा हूँ जाकर ज्वाइन कर लो, एकदम फ्री है, मैं किसी चीज़ का एक रुपया नहीं लेता आप लोगों से, फ्री में अपनी टीम देता हूँ। जिस टीम से मैं लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ सेम टीम आपको फ्री में देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अकेले जीतने मजा नहीं आता, सबको साथ जिताने में मजा आता है। तो जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, और या तो टेलीग्राम पर सर्च करो @anuragxcricket, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक लगा है, ठीक है। 14 लाख से 10-15 हज़ार लोग कम है, तो जाके जुड़ जाओ सब लोग, आलसी लोग हैं तो छोड़ देते हैं इनकी ऐसी की तैसी। खैर, बाकी गिवे है वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखते रहो, एक सवाल आपसे पूछूंगा, उस सवाल का अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप गिवे जीत जाएंगे, और आपको बोट के एयरपॉड ईयरफोन वगैरह या नेक बैंड वगैरह आप फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। बस शर्त यह कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वो नहीं किया तो गिवे नहीं जीतोगे। तो सवाल का वेट करो, बाकी लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन वाले मैच की। तो इस मैच की हम टीम न्यूज़ की बात करते हैं। इंडिया की जो टीम है वो सोचे कि भाई ये सीरीज़ जीतो, क्योंकि पिछली जो वनडे सीरीज़ हुई है ना वुमेन की, वो भाई वाइट वॉश हुई है, तीनों मैच हार के आई है इंडिया। तो वो इंडिया की टीम चाहेगी अच्छा परफॉर्म करो छोटे फॉर्मेट में। बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ एक दिक्कत है, दिक्कत मालूम है क्या? बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब कि उनकी दिक्कत तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। उनके पास दिक्कत ये है कि कौन कौन से प्लेयर को खिलाएं, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे ही अच्छे हैं, सभी अच्छे ऑप्शन हैं, उनके लिए किसको बाहर करें ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल टास्क है उनके लिए। तो ये बड़ी दिक्कत है। प्लेइंग 11 देख लेते हैं एक बार, लेकिन प्लेइंग 11 देखने से पहले फिर से बता रहा हूँ, वुमेन का मैच हो या बिग बैश का मैच, जो भी मैच है आप विजन 11 पर ही खेलो, क्योंकि विजन 11 पर आपको कम एंट्री फीस देनी पड़ती है, आपको कम कमीशन देना पड़ता है, आपका पैसा बचता है, वहाँ पर आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि एंट्री फीस कम होती है। तो प्रॉफिट बनाना है तो विजन 11 पर ही खेलो, रीम ग्रीम 11 पर खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, लोटे तक बिक जाएंगे घर के, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वो छोड़ो, रीम ग्रीम 11 विजन 11 पर खेलो। यहाँ पर मेगा लीग भी जितना काफ़ी आसान है, और यहाँ पर वन प्लेयर वाली फैंटेसी भी आ चुकी है, एक एक प्लेयर की फैंटेसी भी आप खेल सकते हो। तो सभी लोग जाओ जाके विजन 11 का ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, और आज के मैच में फ्री गिवअवे कॉन्टेस्ट भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बिग बैश में। चलो तो कर लेना। प्लेइंग 11 की बात करें, इंडिया की जो वुमेन प्लेइंग 11 होने वाली है टीम की, है तो ये है स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा ओपन करेंगी, फिर जमाइमा, उसके बाद हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, उसके बाद कौर, पूजा वस्त्रकर, श्रियंक पाटिल, सायका इशाक और रेणुका सिंह, ये होगी प्लेइंग 11 इंडिया की। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम प्लेइंग 11 की, तो अलिसा हेली और बेथ मूनी ये दोनों ओपन करेंगे। अलिसा हेली कैप्टनसी भी कर रही है, विकेट कीपिंग भी कर रही है, फिर तैलिया मैग्रैथ है, एलिसा पेरी है, एशले गार्डनर, उसके बाद ये लिचफील्ड और ग्रेस हैरिस में से कोई एक खेलेगा, मुझे ऐसा खेलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो मैं तो चाहता हूँ ग्रेस हैरिस खेले, बहुत अच्छी हिटर है, लेकिन जो फॉर्म है बहुत तगड़े फॉर्म में है लिचफील्ड, तो शायद लिचफील्ड को मौका मिले। फिर अनाबेल सदरलैंड है, जॉर्जिया वारिया में अलाना किंग, मेगान शूट, उसके बाद डार्सी ब्राउन और किम गार्थ में से कोई एक, किम गार्थ और डार्सी ब्राउन में डार्सी ब्राउन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब चेहरे से नहीं, मतलब उसके परफॉर्मेंस है, बढ़िया बढ़िया बॉलर है, ठीक है, ठीक ठाक पेस है उसके पास। ये होगी प्लेइंग 11। अगर हम बात करें पिच के बारे में कि पिच कैसी होने वाली है, तो भाई ये मैच होगा डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, यहाँ की पिच के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक अच्छी चीज़ आपको देता हूँ कि कल हमारे एक भाई ने 7 लाख रुपए जीते, कितने रुपए से गेस करो, 2000 रुपए से 7 लाख रुपए उसने बिग बैश के मैच में किए, सिर्फ हमारे प्रेडिक्शन को फॉलो किया। कहाँ पर जीते? प्रोबो पर। तो आप लोगों को बोल रहा हूँ बहुत आसान है प्रोबो पर पैसा कमाना, फैंटेसी मुश्किल है, फैंटेसी में तो आपको बस आपको 11 प्लेयर की टीम बनाओ, कैप्टन वाइस कैप्टन चुनो, लेकिन प्रोबो पर ऐसा नहीं है, कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिप्टो, बिटकॉइन, कोई भी स्पोर्ट हो या कोई भी फील्ड हो, पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट, कोई भी फील्ड हो, आपको बस वहाँ पर चल रहे सवालों के जवाब देने हाँ आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आज बिग बैश का जो मैच है, पर्थ की टीम 3 ओवर में 25 रन बना लेगी, मुझे लग रहा नहीं बना पाएगी तो मैं इसमें नो करूँगा। एडिलेड आज का मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, मुझे लग रहा है जीत जाएगी तो मैं इसमें यस करूँगा। एडिलेड की टीम 6 ओवर में 45 रन बना लेगी, मुझे लग रहा है बना लेगी तो मैं इसमें यस करूँगा। तो इस तरीके से आपको हाँ या ना में जवाब देना और पैसे कमाने, और अच्छी बात यह कि प्रोबो पर आपको पहले दिन डिपॉजिट नहीं करना, आप जाओ प्रोबो का ऐप आज ही डाउनलोड करो, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, आपको 150 रुपये का फ्री बोनस मिलेगा और पूरा बोनस आप यूज़ कर सकते हो 100%। तो पहले दिन जाके फ्री में खेलो, तो लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लेना प्रोबो, ठीक है। तो जाओ। हाँ, तो बात करते हैं पिच की, तो भाई डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई नवी मुंबई मैच है, बहुत बढ़िया बैटिंग के लिए विकेट है, हो सकता है कि वो 200 रन भी देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ और यहाँ पर विकेट स्पिनर्स को भी मिलते हैं और यहाँ पर विकेट पेसर्स को भी मिलते हैं, तीनों डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी पिच है, ठीक है, आराम से 170-180 रन के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं। पिछले अगर आप देखोगे तो 13 मैच जो यहाँ पर हुए हैं, फास्ट बॉलर्स को 65 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 70 विकेट मिले हैं, इसका मतलब बराबर लगभग है, तो वो चीज़ है, ठीक है। हेड टू हेड ऑस्ट्रेलिया के अगर पल्ला भारी है, 23 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती, इंडिया से 7 मैच जीती है,
ठीक है। अब बात करते हैं मैच की प्रेडिक्शन, ठीक है, मेरे क्या प्रेडिक्शन है इस मैच की, क्योंकि टिप तो देने का मतलब ही नहीं, प्रेडिक्शन देता हूँ वैसे भी, टिप तो आप लोग को क्या ही है, हर हमेशा ही दिया मैंने प्लेयर्स का, फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे दूंगा। हाँ तो पहले प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो भाई पहला जो मेरा प्रेडिक्शन वही है कि अगर इंडिया की वुमेन की टीम पहले बैटिंग करेगी तो शेफाली वर्मा का बल्ला चलेगा, 30-40 बनाएगी। अगर इंडिया की टीम चेस करेगी तो स्मृति मंधाना का बल्ला चलेगा, वो 30-40 बनाएगी, कम से कम स्कोर है वो, कम से कम बता रहा हूँ। बाकी जमाइमा और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों में से कोई एक तो मतलब चलेगा, दोनों इनिंग में चलेगा मगर कोई एक तो चलेगा ही, कन्फर्म ही है। और बाकी रेणुका सिंह विकेट लेगी पहले बॉलिंग करते हुए, दीप्ति शर्मा दोनों इनिंग में विकेट लेगी, और सायका इशाक सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए कम से कम 2 विकेट लेगी। तो ये मेरे प्रेडिक्शन इंडिया की टीम को लेकर। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है। एलिसा पेरी दोनों इनिंग में अच्छा परफॉर्म करेगी, तैलिया मैगराथ भी दोनों इनिंग में अच्छा परफॉर्म करेगी, बाकी बेथ मूनी और हिली में से किसी एक का बल्ला चलेगा, 30 रन के आसपास जरूर बनाएंगे, चाहे पहले बैटिंग है चाहे बाद में। बाकी अलाना किंग सेकेंड इनिंग में विकेट लेगी, और डार्सी ब्राउन ये चाहे जब बॉलिंग करे ये विकेट लेस नहीं जाने वाली, ये मेरा प्रेडिक्शन है, चाहे एक ही विकेट ले लेंगे विकेट उसको मिलेगा, ठीक है, खेल जाए पहले, ठीक है। तो ये मेरे प्रेडिक्शन हो गए। बात करूँ अगर मैं फैंटेसी टीम की वुमेन में क्या ही टिप दूँ, हटाओ आपको आगे दूंगा, हटाओ दूसरे मैच पे चलते हैं। इस मैच की अगर हम फैंटेसी टीम की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख लो, ये मैंने अभी के लिए सेफ टीम बनाई है, मगर ये मेरी फाइनल टीम नहीं, आपको भी पता है फाइनल टीम जिस टीम से मैं 10-20 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करूँगा सेम टीम फ्री में आपको टेलीग्राम पर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिग बैश के मैच नंबर 27 एडिलेड स्ट्राइकर पर्थ स्कॉचर्स के बीच में, ये मैच होगा एडिलेड में, पिछला मैच था पर्थ में, ठीक है। इस मैच में एक चेंज हुआ है, लॉयड पॉप जो है आ चुके हैं स्क्वाड में, ठीक है, एडिलेड के स्क्वाड में, लेकिन उनकी जगह प्लेइंग 11 में नहीं बन रही, बाकी और कोई चेंज होने की उम्मीद है नहीं, कोई चेंज होगा ही नहीं मेरे ख्याल से, सेम ही प्लेइंग 11 होगी दोनों टीम्स की। अगर एक बार प्लेइंग 11 देखें तो एडिलेड की प्लेइंग 11 ये होगी, मैट शॉट डार्सी शॉट ये ओपन करेंगे, फिर क्रिस लिन है, एडम होज है, थॉमस केली है, उसके बाद जेमी वोटन, जेम बेजली, नीलसन है, फिर डेविड पेन है, हैनी थॉटन है, उसके बाद कैमरन बॉयस है। अब इसके बारे में अगर बताऊँ, शॉट ब्रेक बॉलर है, सामने उतने ज़्यादा लेफ्टी नहीं है तो उसकी बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद मत करना, मगर ये तो बहुत दगाबाज प्लेयर है, जब सामने राइटी प्लेयर बैटिंग कर रहे होते हैं तो ये आके बॉलिंग कराता है, पूरे ओवर डालता है, जब लेफ्टी होते हैं तो उसके ओवर कट जाते हैं, अलग टाइप का प्लेयर है, तो टीम में तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि सबका कैप्टन होगा। डार्सी शॉट इसकी बॉलिंग से कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करना, लेकिन बैटिंग से कर सकते हो क्योंकि अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट रहता है बीबीएल में। क्रिस लिन अच्छे फॉर्म में है, एडम होज उतने अच्छे टच में नहीं रहा इस सीज़न, मगर फिर भी प्लेयर अच्छा भरोसा दिखा सकते हो, ट्रंप प्लेयर अपना बना सकते हो। कली ने छोटी सी पारी खेली थी, अच्छी नॉक खेली थी, अच्छे टच में दिखे थे, चाहो तो ग्रैंडलिंग में रिस्क ले लो। जेमी ओटन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट लेगा। बेजली बैटिंग से कुछ फॉर्म में है नहीं, बॉलिंग में भी कुछ अच्छा, पिछले मैच में भी पिटाई हुई तो आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। नीलसन बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है। पेन तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, लास्ट मैच में विकेटलेस गया था, उम्मीद करते हैं आज ना जाए। थॉन्टन अच्छा बॉलर थॉन्टन है, जिसको भी आप बॉलिंग फर्स्ट में तो रखना ही पड़ेगा। कैमरन बॉयस पूरे ओवर हर मैच में डाल रहा है, तो सेकंड इनिंग में इसको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अब बात करें अगर हम पर्थ की टीम में, तो देखो जैक क्रॉली और सैम व्हाइटमैन ओपन करेंगे। व्हाइटमैन मैंने लास्ट मैच में लिया था, अच्छा खेला था बंदा। क्रॉली को मैंने ड्रॉप किया था, फ्लॉप हुआ था, ठीक है, तो ये दोनों ओपन करेंगे। एरॉन हार्डी और जॉस इंग्लिस ये दोनों मिडिल ऑर्डर से संभालेंगे। फिर लॉरी एवंस हैं, 28 बॉल में कितने रन मारे थे, कुछ रन मारे थे याद नहीं, 80 के ऊपर रन मारे थे इसने, और भाई ये मेरी टीम में था, ये भी मेरा ट्रम्प था, तो उसने भी अच्छा काम किया था। कॉर्नली एक ओवर डाला था, एस्टन अगर पूरे ओवर डाल सकता है आज के मैच में, और अच्छा आपको विकेट लेके भी दे सकता है, स्पेशली सेकेंड इनिंग में। जारी रिचर्डसन को एक ओवर में 2 विकेट मिल गए थे बॉलिंग, वरना दिन इसका अच्छा जा नहीं रहा था, मगर जारी रिचर्डसन मेरा कैप्टन था पिछले मैच में, 2 विकेट लेके गया था। एंड्रयू टाई भी अच्छा किया था, लैंस मॉरिस 5 विकेट लिया था, बैंड्रॉफ 1 विकेट लिया था। अब बैंड्रॉफ तो आपके लिए दोनों इनिंग में अच्छा है, लैंस मॉरिस को मैं कहता हूँ अवॉइड करो क्योंकि अंडर प्रेशर उसको विकेट मिले थे, खैर बॉलिंग भी अच्छी करी थी, ठीक है। तो ये हो गया। सैम व्हाइटमैन के नेचर बताऊँ, काफ़ी रिस्की शॉट खेल रहा था लास्ट मैच में मैंने देखा, तो चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, सकता है जल्दी आउट हो जाए। क्रॉली लास्ट मैच जल्दी आउट हुआ था, आज अच्छा कर सकते हैं, उसके अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अरे एक काम करते हैं, प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, सॉरी पहले पिच की बात कर लेते हैं। तो भाई एडिलेड में मैच है, एडिलेड की पिच जो है बैटिंग के लिए बढ़िया है, बाउंड्री छोटी है, यहाँ पे 160 के एवरेज स्कोर है, मतलब 170 रन आपको देखने को मिल सकते हैं। पेसर्स को शुरुआती मूवमेंट मिलता है, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है सेकेंड इनिंग में, ठीक है। अगर आप पिछले यहाँ पर 6 मैचेस का देखोगे ना, तो 35 विकेट पेसर्स के और स्पिनर्स के 27 विकेट है, मतलब स्पिनर्स को भी अच्छे खासे विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। हेड टू हेड भी देखोगे तो ठीक ठाक नंबर्स हैं, 10 मैच स्ट्राइकर जीती है, पर जीती है 13, ठीक है। प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो भाई इस मैच का जो मेरा प्रेडिक्शन है, 11 प्रेडिक्शन है। पहला प्रेडिक्शन मेरा ये है कि डार्सी शॉट इस मैच में पक्का रन बनाएगा, मैथ्यू शॉट बैटिंग से फ्लॉप होगा,
ये दो हो गए। तीसरा प्रेडिक्शन है कि बैंड्रॉफ और रिचर्डसन ये दोनों विकेट पक्का लेंगे, खाली नहीं जाने वाले, विकेट इनके खाते में आने ही वाले हैं। एंड्रयू टाई बॉलिंग फर्स्ट करते हुए विकेट लेगा, सेकेंड इनिंग में नहीं ले पाएगा विकेट। बाकी एडम होज आज के मैच में ट्रंप रहेगा, ये बंदा इस रन बनाएगा कम से कम 40-45 रन। बाकी जेमी ओल्टन, बेजली और पेन ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बेजली और पेन तो आपके लिए ट्रंप भी हो सकते हैं पहले बॉलिंग करते हुए। कैमरन बॉयस सेकेंड इनिंग में विकेट लेगा, एस्टन अगर सेकेंड इनिंग में विकेट लेगा, क्रॉली इस मैच में पक्का रन बनाएगा कम से कम 25-30। लॉरी इवेंट्स फ्लॉप होगा, ठीक है, स्पेशली अगर सेकेंड इनिंग बैटिंग आई तब तो पक्का फ्लॉप है। बाकी इंग्लिस और हार्डी में से भी कोई एक फ्लॉप होने वाला है, तो इंग्लिस और हार्डी को कैप्टन वाइस कैप्टन करना थोड़ा सा रिस्की है आज के मैच में, ठीक है। तो ये हो गए मेरे प्रेडिक्शन। अगर हम बिग बैश लीग की अपनी टीम की बात करें तो आप हमारी टीम देख लो स्क्रीन पर, ये हमारी टीम है अभी के लिए। बाकी फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस मैच में भी मैं 15-20 लाख तो इन्वेस्ट करूँगा, जितना भी इन्वेस्ट करूँगा आपको दिख जाएगा, और जिस टीम से खेलूँगा वो टीम आपको मैं दे दूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और गिवअवे के सवाल मैंने नहीं पूछा तो गिवअवे के सवाल पूछ लेता हूँ। तो आपको भाई साहब दोनों मैचेस के मैन ऑफ द मैच गेस करने हैं, और दोपहर 1:30 से पहले कमेंट करना है। दोपहर 1:30 से पहले अगर आप दोनों मैचेस के सही मैन ऑफ द मैच गेस कर लेते हो तो आप विनर हो जाओगे, आपको बोट के ईयरफोन वगैरह ब्लूटूथ वाली चीज़ें ये सब मिल जाएंगी, या फिर आप 1100 रुपये भी ले सकते हो, ठीक है। तो कर लो पार्टिसिपेट, करो तो क्या मारो कमेंट करके, और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी, तो लाइक भी कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना प्राइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, और मिलते हैं बाकी टेलीग्राम पर फाइनल टीम के साथ। थैंक यू सो मच, उन्होंने पूरा वीडियो देखा, दिल से शुक्रिया। और इवेंट में आना, ये इवेंट अपना लखनऊ में हो रहा, तो मीटअप है अपना, तो मीटअप में आना जरूर 7 जनवरी को, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो स्टार्टिंग मैंने वीडियो की बात करी, फिर से सुन लो, ठीक है। चलो बाय बाय, आई लव यू, ऑल द बेस्ट।